भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिराना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। 14 टीम पर 3,000-3,000 रुपए ले रहे हो तो कितना हो रहा है, तो वो पैसे का हिसाब दे दो ना। आरती राम का, राजन पीने का और नजीम मुल्ला का, इन लोगों का ये फोटो लगा है तो क्या ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे सर? आप बच्चों के खेल के साथ में भी और खुद के साथ में भी धोखा कर रहे हो। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में क्रिकेट टूर्नामेंट होने के बाद ऑर्गेनाइजर गुलाम अली खान ने क्रिकेट टीमों को जो विनर के पैसे होते हैं वो नहीं दिया, जिसको लेकर कल रात में खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर गुलाम के बीच में काफ़ी बहस हुई। बताया जा रहा है कि गुलाम ने एंट्री फीस के नाम पर हर टीमों से करीब 3,000 रुपये लिए, और ये टूर्नामेंट जो है PPL सीजन 1 था, जो मुमरा प्रभाग समिति के सामने ही जो मैदान है वहाँ पर खेला जा रहा था। खिलाड़ियों ने बताया कि गुलाम ने इस टूर्नामेंट का जो है ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन कल फाइनल मैच होने वाला था, लेकिन गुलाम ने जो है फाइनल मैच होने से रोक दिया। गुलाम का कहना था उनके पास कोई चीफ गेस्ट नहीं है। फिर खिलाड़ियों ने कहा चीफ गेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी फाइनल मैच होगा, तो फिर कहने लगे कि हमारे पास जो विनर होगा उसको पैसे देने के लिए नहीं है। लेकिन खिलाड़ियों का कहना था कि फाइनल मैच होगा तो आज ही होगा, लेकिन गुलाम का कहना था कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए फाइनल मैच कल खेलो या फिर अगले संडे को खेलो, इस तरह की जो है बातें होने लगी और यहाँ पर काफ़ी हंगामा होने लगा। खिलाड़ियों ने बताया कि जो पहला विनर था उसको 18,000 रुपये इनाम थे, जो दूसरा विनर था उसे 10,000 और तीसरे विनर को 7,000 रुपया इनाम था। हालांकि खिलाड़ी इसी बात पर अड़े रहे कि फाइनल मैच आज ही होगा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो खिलाड़ियों ने कहा कि एक काम कीजिए, गुलाम से कहा गया कि आप जो भी राशि है जीत की वो आप दे दो, टीमों में वो बंटवारा अपना कर लेंगे। लेकिन गुलाम इस पर भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि गुलाम बार बार एक ही बात बोल रहा था, उसके पास पैसे नहीं है। और इसी सब मामले को लेकर खिलाड़ियों के बीच में और जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज किए थे गुलाम, इनके बीच में काफी बहस हुई। क्या कुछ खिलाड़ियों ने कहा है आपको सुनाते हैं। तुमने कितने फ्री खिलाए? 12 फ्री खिलाए। 14 बच रही है, 14 टीम पर 3,000-3,000 रुपए ले रहे हो तो कितना हो रहा है, तो वो पैसे का हिसाब दे दो ना। तुम फ्री खिलाओ, वो तुम साउंड वाले को खिलाओ, साउंड वाले को दिए, वो जो भी है वो तुम्हारा लुकआउट है। तुमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, तुमने फोटो लगाए, क्या बोला अमीन भाई? ये जो बैनर पे जैसे के मोती राम का, राजन पीने का और नजीम मुल्ला का, इन लोगों का ये फोटो लगा है तो क्या ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे सर? आप बताओ। नहीं नहीं, तो ये लोगों का फोटो क्यों लगा है? क्यों लगा है फोटो? ये लोगों का फोटो क्यों लगा है? फोटो बच्चों के खेल के साथ में भी और खुद के साथ में भी धोखा कर रहे हो आप। फोटो इनका कोई लेना देना नहीं है इस टूर्नामेंट से। बैनर पे इन लोगों का फोटो क्यों है? वो लगा दिया मैंने। आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया था इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया था। तो इन लोगों का फोटो राजनीति ऐसे ऐसे मैंने लगा, फोटो क्यों लगाया आपने? मैंने ऐसे ही फोटो लगाया। आपने फाइनलिस्ट को पैसा देने से मना कर रहे हो साथ में? मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्यों लगाया इन लोगों का फोटो? मैंने ऐसे ही लगाया। नहीं नहीं, आपको मैंने, इन लोगों ने मैंने, आपको इन लोगों ने बोला था कि हमारा फोटो लगा के मैच चलाओ? आपने बोला ना कि मोतीराम ने कमिटमेंट किया था, नहीं मिला आपको? मैंने ऐसा नहीं बोला कि किसने कमिटमेंट किया, किसने कमेंट किया, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कुछ लोगों ने कमिटमेंट किया, पीछे हट गए, उनका कोई वजह होगी। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजर, आप ऑर्गेनाइजर, मैं उसकी इज्जत नहीं उछा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ऑन कैमरा में मैं बोल रहा हूँ,
कल शाम तक आपको पैसा नहीं मिलता ये वायरल होगा, मेरी और इज्जत खराब होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर, आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। इज्जत उसकी खराब हो रही है। सुनो, जो फाइनल में आया ना, फाइनल में उसको अपना प्राइस, उसको अपना हक नहीं मिल रहा है, उसकी इज्जत खराब हो रही है। जो फाइनल में मेहनत करके आए नहीं लगेगी, मेरे तो खत्म हो जाएगी। क्या है वो छोड़ दो, जो जज्बा इनका, जो हौसला यहाँ तक लेके आया था ना, आप इनका मनोबल तोड़ रहे हो सर। हो जाए ना तो इनका हौसला, ये ना आप कीमत नहीं है, आप मनोबल तोड़ रहे हो बच्चों का। ये दे दो, फाइनल में आए ना बच्चे, ये दूसरे बार किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले सोचेंगे। अच्छा, तीन दिन में आपने पैसा नहीं जुटा पाया तो ये क्या गारंटी कल आप पैसा जुटा लेंगे? तीन दिन में तो आपने पैसा नहीं जुटा, कल की तारीख है, कल का मेरे को तारीख है मेरे पास, कल की मैं जानता हूँ पैसा मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट दूसरा कुछ भी बोल सकता था, मेरे को पता है, मेरे को पता है, इसलिए आज 12 दिन। एक टीम से कितना पैसा लिया? 3,000। 3,000 एंट्री दे रहे, 3,000 एंट्री दे रहे। 26 उसका पूरा एंट्री का पैसा आपके पास था, पैसा आपके पास था, वो पैसा कहाँ कहाँ गया? ये सब जो खर्चा हो रहा है, बैनर का, मंडप मंडप का, बैनर का, बॉल का, खाने पीने का, हाँ कौन सा है, कौन सा टोटल आपके पास अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट कितना है? देखो, अभी कोई 500 रुपए दे रहा है, किसी दिन कोई 1,000 रुपए दे रहा है, तो उसका टैली नहीं कर पाया मैं, और खर्चा डेली है। अगर समझो इन्होंने 2,000 दे दिया एक ही दिन में, इन्होंने 2,000 दिया, इन्होंने 2,000 दे दिया, बात तो सुनो, बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात सुनो ना। अरे हाँ बाबा, आपने पूरी एंट्री मांगे ना, बोल सुनो, 2,000 दिए, भाई ये बोल रहा कोई 500 रुपए दे रहा दिन में, कोई 500 रुपए दे रहा, तो अगर डेली में, हाँ खिलाया खिलाया खिलाया, सब गूगल पे का तुम्हारे को 3,000 का बता देंगे हम, ठीक है? मेरी बात सुनो ना, 26 टीम का पैसा कहाँ है? अभी हमारे सोनू भाई है ना, सोनू भाई है ना, उन्होंने 1,000 रुपए दिए। हाँ बताओ भाई, बोल रहे हैं कि मैं खुद खेलता हूँ, मेरे को परमिशन किसने दी, किसके बोलने पे आ गया? मेरे को किसने, किसी ने कुछ नहीं बोला, ये बोर्ड लगा हुआ नरोत्तम का बोर्ड लगा है वहाँ, तो उनका जो बंदे वहाँ बैठते हैं ना, इनके बंदे वहाँ, सुनिए ना मेरी बात, कौन से बंदे बैठे हैं? वो कौन से बंदे? मित्तल ग्राउंड पे आगे शिवसेना ऑफिस के बाजू में वो जो कैबिन है उसमें ये जमीन संभालने वाले बैठते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? एक मिनट, उनका नाम क्या है? एक मिनट, वो जमीन संभालने वाले का नाम क्या है? उनका नाम मेरे को याद नहीं, कुछ हिंदू है वो, आपको नाम? तो उन्होंने मेरे को क्या बोले, यहाँ मैच रख रहे हो ना आप, लिखित में परमिशन दो, आपने दिए? तो मैंने लिख के दे दिया उनको, आपने कुछ पे नहीं किया? तो टोटल यहाँ पर हम टूर्नामेंट पे किया, उन्होंने आपने कुछ पे किया? फीस वगैरह कुछ नहीं लिए, आपने ये वो ऐसे ही बोले। हाँ, वो चाय पानी जो थी वो मैंने दे दिया। क्या चाय पानी दिया आपने? जो भी दिया, क्या दिया? नहीं नहीं, वो सब दे रहे, कितना चाय और कितना पानी पिलाया वो बताइए। जो भी दे रहे हैं ना, नहीं चाय, चाय पानी कितना दिया, कितना जिन जो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले भी दिए लोगों ने, इधर देखिए, इधर देखिए भाई, आगे अभी और किसी को मैच रखना है। हां, चाय पानी के मतलब क्या दिया? हम लोग ने किए, तुम्हारी हंसी देख के जरा भी अच्छा नहीं लग रहा हम लोग को भाई। मैं भाई वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, उससे लेना है तुम काहे के लिए हंस रहे हो? तब मैं क्या बोलो, वो बोल रहे चाय और पानी। एक सवाल ये भी है, ये सुनिए, एक सवाल ये भी है, चार चार फोटो आपने लगाया है, आपने बोला कि मैंने ऐसी लगाया, तो आपने सारे नेताओं के फोटो क्यों नहीं लगाए? फिर चार ही फोटो क्यों लगाए आपने? चार ही फोटो आपने क्यों लगाए यहाँ पे? नजीब मुल्ला, सिराज डोंगरे, राजन कीने, मोतीराम भगत की फोटो क्यों लगा आपने? सारे नेताओं के, सारे नेताओं के फोटो क्यों, चुनिंदा चार नेताओं के क्यों फोटो लगाए? अभी पार्टी का ये सब चल रहा है, पार्टी का कोई एक पार्टी में नहीं है, कोई भी एक पार्टी में नहीं है। पैसा भी लिए राजन कीने दादा से, 5,000 रुपए इनने मैच रखने के लिए। अच्छा, राजन दादा से पैसा भी लिए? दिया राजन दादा ने पैसा? सुने ना, इन्होंने बात की, कितना दिया पैसा उन्होंने? 5,000। वो भी 5,000 नहीं, उनका चारा दे रही है, पैसा नहीं है, पैसा दे दो, 1,000 रुपए पैसा देंगे। भाई इसीलिए देखिए मेरी बात सुनिए, अकेले खाली इज्जत गला रहे ना मेरे बात। अभी यार अच्छा, इसलिए बोला शाम तक, अच्छा लग रहा है हम लोग। अच्छा, इस हद तक कोई आएगा क्या बताओ मेरे को? कुछ तो मजबूरी होगी, इस
सर तक कोई आएगा बेशर्मी है, मजबूरी नहीं है, हमारी उम्र की वजह से ना तुमको कोई मारा नहीं अभी। मेरी बात सुनो, तुमने हम लोग को कितने बजे से रोक के रखे? चार घंटे से हम लोग खड़े हैं, चार घंटा हो गया हम लोग को, सुबह 7 बजे से हम लोग खेल रहे हैं और तुम बोल रहे हमारे जेब में कुछ नहीं, कंगाल बैठे हो, क्या बात है? ये बात थोड़ी ना होती है। अरे इतनी मेहनत कर रहे, सुबह से फाइनल में आए, कहा उनका कैशियर जो पैसा ले रहा था गूगल पे, वो बोला कि मैंने इनको पैसा दे दिया, उसकी वीडियो है हमारे पास, वो कुछ बोला पैसा दे दिया। अभी इन लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बता, इनको कल शाम तक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा पैसा? ये क्या मेरी जिम्मेदारी, मेरे को मेरी इज्जत बचाना है, सबको देना है, इज्जत बनाना है मेरी, तो मेरे को देना है। तीन दिन उन्होंने लगातार मैच खेला, तीन दिन में आपने दिया। एक मिनट, अभी आपने बोला ना राजन दादा ने आपको 5,000 रुपए दिए, बाकी जिन नेताओं ने कितना दिया? उन लोगों का फोटो क्यों लगाए? फेवर किसी का नहीं, सभी नेताओं के फोटो नहीं लगाए, किसी पार्टी का फेवरेटिज्म कर रहे हो तो साफ बताओ। नहीं नहीं, तो आपने इन लोगों का फोटो क्यों लगाया? मैंने फोटो ऐसे ही लगाया ना, मैं किसी को, सारे नेताओं के क्यों नहीं लगाए आपने? चार ही लोग के क्यों लगाए आपने? नहीं सर, ये कल बोल रहे स्पॉन्सर हमारे आएंगे और पैसा देंगे तो मैं तुमको पैसा दूंगा। नहीं नहीं, हाँ ये भी बोली तुमने, कौन है आपके स्पॉन्सर? कौन है आपके? अभी ये मैं बताऊं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं झूठा झूठा पड़ जाऊंगा आप लोगों के सामने, इसलिए प्लीज मत पूछो। सच बता दो ना, सच मैं बोल रहा हूँ, आप मत पूछो। देखो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को जितना किसी का भी नहीं, नहीं 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 नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, जो भी है कल इनको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ तक बात पहुँची, कोई आदमी अगर मजबूर होता तो यहाँ तक आता, आप इतना तो समझो। लेकिन लोग कल, मेरे को शौक है कि मैं इतना ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे आप? कहाँ जाएंगे? मुमरा में या और कहाँ जाएंगे? सबके पास नंबर है, नंबर से लोकेशन ट्रेस होता है, उससे आधार कार्ड। सर क्या नाम है आपका? अल्तमस पटेल। अल्तमस सर, आज यहाँ पे मुमरा प्रभाग समिति के सामने एक नौरत्म का एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में PPL Season 1 का मतलब मैच रखा गया था। मैच में कुछ विवाद हुआ, कुछ लगभग 30 टीमें बताई जा रही है, 30 टीम में से दो एलिमिनेट टीम, मतलब दो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और एक फाइनल। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर था, वो ऑर्गेनाइजर ने कुछ पैसे को लेके और कुछ ट्रॉफी को लेके कुछ घोटाला किया, उस बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 3 टीम आई ली फाइनल्स में, और 3 टीम का होता, तीनों हम लोग कॉम्प्रो की ले, तीनों टीम में आपस में बांटने का जायके। अच्छा, मतलब तो फाइनल नहीं खेलना, तीनों टीम बांटे गए, अंधेरा हो गया था, रीजन अंधेरा हो गया था, इसका हम लोग बांट के ले गए पैसे आपस में। फाइनल इसका प्राइस कितना था? फाइनल 18,000 था, सेकंड 10,000 था और थर्ड 7,000 था, ये 3 प्राइस थे। यानी लगभग कितना अमाउंट? 35,000 होता था, ये 35,000 आप तीनों टीम में बांटने वाले थे, अंधेरा होने की वजह से बोले भाई मैच आगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद में उसने क्या कहा? वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। ऑर्गेनाइजर का नाम क्या है? गुलाम। गुलाम नाम, इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ फ्रॉड किया है? मतलब टीम मैच टर्फ में किया है उसने, टर्फ में और भी किया है ऐसा? आपने फॉर्म वगैरह भरा तो उसमें किसी नगर सेवक या पॉलिटिशियन का कुछ नाम लिया गया? नहीं नहीं, नाम तो नहीं लिया, लेकिन फोटो लगा दिया बैनर पे, फोटोज लगे, राजन किन्ने सर का है, उसके बाद में सिराज डोंगरे का है और नजीब मुल्ला का और थर्ड मोतीराम, फोर्थ मोतीराम होते हैं। मैच में इनमें से कोई यहाँ पे नहीं है? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, एक बंदा भी यहाँ पे जो 4 लोगों का फोटो लगा है, यहाँ पे कोई भी आपके पास में आया नहीं? कोई भी नहीं आया। और ये लोग कोई ऑर्गेनाइज कर रहे थे कुछ, मतलब पैसा वगैरह स्पॉन्सर किया था इन्होंने? राजन सर ने 5,000 रुपए दिया है इनको। अच्छा, बाकी का तो पता नहीं, बाकी 3 लोगों को आपको पता नहीं है? अभी गुलाम क्या बोल रहा है, मतलब क्या बता रहा है? वो बोल रहा है मैं कल दूंगा पैसा, आज तो है नहीं मेरे पास। अब जब बंदा 3 दिन में अरेंजमेंट नहीं कर पाया तो कल कैसा देगा बंदा पैसा? अच्छा, एक टीम ने कितना कितना एंट्री फीस दिया? 3,000 रुपया, 3,000 रुपए एंट्री फीस। तो आप लोगों ने उसे हिसाब लिया कि पूरा पैसा गया कहाँ आखिर 3 दिन? तो बोलता है मैंने इसमें खर्चा किया, इसमें लगाया पैसा, हिसाब नहीं दे पा रहे, हिसाब दे रहा ही नहीं है, बोलता है मेरे पास कोई टैली नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ पानी तक नहीं था यहाँ पे, धूप में पानी में और दूसरे के बॉटल से पानी लेके पी रहे हम लोग, बॉल भी नहीं था, बॉल भी जुन्ना बॉल से खिला रहे मैच, खुद बॉल ढूंढ के लेके आ रहे थे। अच्छा, बॉल मतलब कोई, मतलब इनका कोई मैनेजमेंट भी नहीं था? नहीं था कुछ भी मैनेज। 30 टीमों का एक टीम से 3,000 लगभग लिया गया, इतना 90,000 के करीब का अमाउंट लिया गया, लेकिन इन्होंने एक बॉल लाने तक का बंदा मैनेज नहीं किया। पहले दिन तक सब थे, बाकी जैसे ऐसा क्या बोलना चाहोगे सर? पहले दिन तक सब बंदे थे, फिर जैसे ऐसा टूर्नामेंट गुजरा उनके बंदों को भी पता चला तो सब चले गए, उनको मालूम है मेहनत करके कुछ फायदा है नहीं तो चले गए।
वो सब नहीं नाम नहीं बोल, लोग बेचारे सिर्फ अच्छा सपोर्ट कर रहे थे कि भाई एक बंदे मैच रखा अपने एरिया का, तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद उन लोग भी चले गए, क्या बोले कुछ मतलब है नहीं। और अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं खाने सर, आपका नाम क्या है? शाहरुख। शाहरुख सर, जैसा कि आप मैच के बहुत अच्छे मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हो, शौक रखते हो खेलने का, ऐसे स्पॉन्सर्स मुंब्रा में आते हैं, इसके बाद में आपका मनोबल टूटता है या बढ़ेगा? नहीं, ऐसा है कि अभी एक्चुअली ये चीज़ में ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कोई नवा बंदा आके मैच रखता है या कुछ भी रखता है, और भी दो चार लोग हैं मुंब्रा में ऐसे जो मैच वैच रखते हैं। तो मैं तो सभी टीमों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पहले वो बंदे को देख लो, जिसका पहले बैकग्राउंड देख लो क्या वो पहले से क्या करता आता है, तो वो बंदे लोग के टूर्नामेंट में खेलो ही मत। और मैं खुद आज ये टूर्नामेंट में हम लोग भी खेले थे, मैं खुद अपने स्पॉन्सर जो मेरा हम लोग का स्पॉन्सर ने एंट्री डाला था, मैंने उसको खुद मना किया था क्या एंड ऑफ द टाइम ये पैसा नहीं देगा। इससे पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग के साथ कर चुके एक आध टाइम, तो मैं एकदम श्योर था। मैं बोल रहा हूँ, मैंने सब टीमों को बोला था ऑलरेडी, मैं तो यहाँ मंडप में बैठ के बोला था ये टूर्नामेंट नहीं है, तमाशा चालू। हम लोग अंदर ग्राउंड पे खेल रहे हैं, दोनों टीम अंदर रेडी है, ना अंपायर है ना कुछ, तो हम लोग आपस में खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत मैच में है, मैच में तो थोड़ा बहुत उनका हिसाब किताब थोड़ा अलग है ही। अच्छा, अब बाकी क्या बोलेंगे। अमीन सर, जैसा कि आपकी टीम फाइनल में थी जी, बराबर, ये फाइनल में आप पहुंचने के बाद, जैसा कि भाई ने बताया, ये अल्तमश भाई ने, कि आप तीन लोगों में एक चीज मतलब डिसाइड हुई थी कि अंधेरा होने की वजह से हम तीनों भी प्राइज बने। अंधेरा हुआ नहीं था, ये एक्चुअली 5:30 बजे पहला सेमीफाइनल हो गया था कम्प्लीट। अच्छा। और हम लोग फाइनल में पहुंच गए थे। अच्छा। तो ये आए बोलते मेरे ऑर्गेनाइजर आए नहीं है कुछ रीजन के वजह से, उन लोग कल आएंगे परसों आएंगे तब हम लोग कराएंगे। तो फिर हम लोग ने जोर दिए, नहीं हम लोग को आज ही करना है जो भी करना है। तो ये क्या बोले कि आज नहीं हो पाएगा कल होएगा, तो हम लोग बोले एक काम करते हैं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं आपस में, हम लोग बांट लेंगे अपने हिसाब से। हाँ, 3 दिन से हो रहा है, हम लोग बोले सुबह से खेल रहे धूप में, ना तुम पानी है कुछ है, हम लोग बोले हम लोग बांट के ले लेते आपस में, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, तुम खाली हमको दे दो। तब ये नया कुछ लेके आए कि मेरे पास है नहीं, मेरे पास सिर्फ 11,000 है। तो हम बोले 11,000 दिखाओ, 11,000 दिखाए तो उसमें भी 4,000 निकला। इनके पास जब जेब में पैसा ही नहीं था, ये घपला करने की फिराक में ही थे। आपको क्या लगता है ये जो बैनर पे फोटो है, जैसे कि सिराज डोंगरे सर का है, नजीब मुल्ला सर का है, मोतीराम सर का है और राजन किने सर का है, ये लोगों का फोटो लगाकर आप लोगों को धोखे में रखा गया? ये बिल्कुल धोखे में रखा है। इसके बाद में किसी पॉलिटिशियन पार्टी का अगर बैनर पे फोटो लगता है तो ये जो टीम है जो मुंब्रा में मेहनत करती है, क्रिकेट में आगे बढ़ के आती है, क्या ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जैसे प्राइज मनी नहीं मिली आपको, तो आप क्या कदम उठाओगे? अभी हम लोग वही सोच रहे कि इनको पुलिस स्टेशन लेके जाए और जो भी है कम्प्लेन वो दर्ज करे, और उसके बाद जो भी है पुलिस देखेगी। ठीक।